हेलो हिपहॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो भाइयों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एमजी बेला के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में बताया है कि एमजी बेला जो है वो भी लखनऊ में है और उनके कुछ ट्रैक्स के अभी शूट चल रहे हैं। तो उनकी तरफ से अभी कुछ इंस्टा स्टोरीज आई है जिसमें उन्होंने कुछ अपडेट दिया है उनके अपकमिंग ट्रैक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग क्लिप्स देख सकते हो। गाइस, आई एम आउट फॉर द थर्ड लोकेशन और तीसरा गाना शूट होने वाला है आज। और ये गाना बहुत तगड़ा गाना है, बहुत बेस्ट गाना है अभी तक का। वेट फॉर इट दोस्तों, एल्बम आने वाली है, गाने आने वाले हैं। 2021 में बहुत कुछ आएगा, लेकिन फिलहाल ठंड लग रही है बहुत। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ भगत और रॉप्सी के बारे में। तो भाइयों, इनका एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है पैग लान दो, और ये आप लोग को देखने को मिलेगा 9 दिसंबर को। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ रफ्तार के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को अपडेट दी थी कि रफ्तार का एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है तू फिर से आना, जो कि है सलीम मर्चेंट और कर्मा के साथ में। तो इस ट्रैक के बाद आप लोग को कौन सा ट्रैक देखने को मिलेगा, तो उस ट्रैक का नाम है ब्लैक शीप, और ये भी उनकी ईपी का ही ट्रैक होने वाला है। तो आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं इसके लिए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा रफ्तार से रिलेटेड एक और अपडेट है। तो भाइयों, एक पॉडकास्ट आया है जो कि है रफ्तार एंड रोहन कारियाप्पा का, तो आप लोग ये जाके देख सकते हो। इसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी गई है, तो 2-3 क्वेश्चंस के तो मैं आप लोग को यहाँ पे आंसर्स बता दूंगा। बाकी आप लोग पूरा पॉडकास्ट जाके देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहली चीज़, आगे चल ट्रैक तो आप लोगों ने सुना ही होगा जो कि रफ्तार का ट्रैक था। तो उसमें जो सैंपल यूज़ करा गया था इल माइंड का, वो 7 लाख का सैंपल था। फॉर एग्जाम्पल, आगे चल मैंने वेट किया, मुझे उसमें वो सैंपल पसंद आया था, ठीक है ना, इल माइंड का, मुझे वही सैंपल चाहिए था। पर मेरी 2018 से पहले इतनी ब्योत ही नहीं था कि यार मैं उतना पैसा डाल के वो सैंपल ले सकूं। उसने 7 लाख रुपए में सैंपल के राइट्स दिए मेरे को सिर्फ। वही है ना कि मजाक लगता है, पर मेरा सपना उतना महंगा था, मैं क्या करूं। तो मैंने वेट की 7 लाख रुपए की सैंपल राइट्स। यस सर। और ये करने के बाद जब आपको लोग बोलते रहे कॉपी कर लिया इल माइंड से, तो कैसा लगता है? बिल्कुल बुरा नहीं लगता यार, मेरा सपना था, मैं जी रहा हूँ। हाँ। इसके बाद से उन्होंने बात करी है एमसी स्टैन के बारे में। बट ओके, फॉर एग्जांपल एमसी स्टैन को ले लेते हैं, ही इज नॉट रिलेटेबल। नो, ही इज रिलेटेबल टू पीपल हिज एज ऑफ कोर्स। मैं बताऊं क्या, एमसी स्टैन जो है ना, एमसी स्टैन आपके अंदर का वो इंसान है जो आप बनना तो चाहते हो पर आपको सोसाइटी ने रोका हुआ है। आप उतने उड़दंगी होना चाहते हो, आप चाहते हो आपको इतनी फ्रीडम मिले। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट यू इन पर्टिकुलर, बट अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू बी दैट वाइल्ड, अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू बी अबाउट दैट लाइफ, पर वो हर कोई बंदा वो करता नहीं है। Do you think, क्योंकि मैंने अभी MC Stan पे वीडियो बनाई थी, I spoke about him, कि वो, he's not relatable, but people watch him because they want to know his story, क्योंकि वो obviously हम सबसे बहुत अलग है, वो एक अलग स्टोरी बता रहा है जो हमें आसपास नहीं मिल रही है। MC Stan अपने हिप हॉप का हीरो है, देसी हिप हॉप का हीरो है। For sure, for sure. हीरो को देखते हो आप, उससे क्यों कनेक्ट होते हो? आपको वो मूवी में जैसा दिख रहा है ना कि इसकी ये इमेज है, वो असली जीवन में भी बन जाती है आपकी इमेज। रियल लाइफ में वो मुक्का मारेगा, गाड़ी नहीं लेगी भाई, पर यू नो व्हाई, यू लुक एट देम विद अ पर्टिकुलर विजन, एक तरीके से एक नजरिया बदल जाता है आपका देखने का। अच्छा, तो वही है। तो ये जो है, ये वो किरदार है जो सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जो मेरी जैसे छोटी नीक मिली वाली बुद्धि है। हाँ, कि मैं उसकी मजे करना चाहता हूँ पर उससे कुछ होना, रेकलेस नहीं हूं मैं। नीक मिली की छोटी एमसी स्टैन वाली बुद्धि है। मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मेरी छोटी एमसी स्टैन वाली बुद्धि है। हाँ, एमसी स्टैन है भाई, बवाल आदमी, मतलब ही लिव्स, वो जो बोलता है वो वैसे जी रहा है। इसके अलावा एमए वर्सेस रफ्तार जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस चीज के बारे में भी रफ्तार ने कहा है। बट चलो, बीफ से नुकसान हुआ, बट डू यू थिंक फायदा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, सबको हुआ है, क्यों नहीं हुआ यार, सबका ध्यान आ गया उसकी तरफ। हाँ, वो जब गलत तरीके से इस्तेमाल, अब देखो लोग बोलेंगे कि देखो आपने ऐसा कर दिया, फिर गलत तरीके से तो मेरे अगेंस्ट ही तो इस्तेमाल हुआ है, तो फिर मैं ही कंप्लेन नहीं कर रहा तो क्या दिक्कत है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ हिप हॉप, यू से व्हाट यू हैव टू से। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ एडी नागर के बारे में। तो भाई, वो एडी नागर का जो नेक्स्ट ट्रैक होने वाला है उसका नाम है मेरे वाला जट, और ये होगा अफसाना खान के साथ में, और फिलहाल इसकी डेट्स नहीं पता चली है। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो मुक्ता के की तरफ से आ रही है। तो भाई, वो मुक्ता का भी एक ट्रैक आउट हुआ है जिसका नाम है शांत बैठ, और ये वीडियो के साथ में आया है, तो आप लोग जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ बोहेमिया के बारे में। तो भाई, वो बोहेमिया पाजी का जो ट्रैक आने वाला था द गेम, जेहिंद और करण औजला के साथ में, वो भी ड्रॉप हो चुका है, और काफ़ी अच्छा ट्रैक है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है। मुझे सबसे सही चीज़ इस ट्रैक में क्या लगी, तो वो है इसका हुक पार्ट जो कि बोहेमिया पाजी का है, और द गेम का जो वर्स है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, और कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है, बहुत ही अलग टॉपिक के ऊपर बात करी है बोहेमिया पाजी ने। तो आप लोग का क्या विचार है, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतनी अपडेट्स थी, तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।